हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सो बेसिकली अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो ये है क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म की, और जो पीएनएल देख रहे हो ये है 3,95,000 के आसपास। एंड करंटली द कैपिटल दैट इज डिप्लॉयड हियर इज अप्रॉक्सिमेटली 3.5 करोर्स। एंड इसके अंदर बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रेड करता हूँ। नाउ ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारे कुछ जो स्ट्रैटेजीज होती है वो होती है निफ्टी के अंदर रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज। रेंज ब्रेकआउट के ऊपर मैंने काफी बड़ा सेमिनार लिया था जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। अगर आपको रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करना है, बेसिकली मॉर्निंग टाइम के रेंज ब्रेकआउट, जहां पर मॉर्निंग में निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई एक रेंज बना देता है और रेंज के बाद में जो भी ब्रेकआउट आता है उस साइड में, उस डायरेक्शन में हम बेसिकली ऑप्शन बाइंग करते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो ये हो गया एक बेसिक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज। नाउ आज जो हम देख रहे हैं बेसिकली अभी जो पीनल चल रहा है वो चल रहा है 4,12,000 के आसपास। तो मैं आपको भी कुछ चीजें दिखा दूंगा कि अभी इतना पीएनएल क्यों चल रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोलकर दिखाता हूं, और उस निफ्टी के चार्ट को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है इनकेस एंड मॉर्निंग के रेंज का बेसिकली, एंड इसीलिए इतना अच्छा पीएनएल चल रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इधर इतना अच्छा सारा कंसोलिडेशन चल रहा था और इमीडिएटली विद इन 2 कैंडल्स एक 19,700 से 19,776 पर पहुंच गए, राइट। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड इन केस ऑफ बैंक निफ्टी एज वेल, इधर हम देख रहे हैं कि एक ये जो रेंज का ब्रेकआउट था, बेसिकली ये रेंज का ब्रेकआउट आया है। अभी अगर बैंक निफ्टी इधर से रिटेस्ट करता है तो बेसिकली वो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी मेरे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के लिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसका अंदर ट्रेलिंग एसएल होता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जनरली एक पुल बैक के अंदर, अगर बहुत ही फास्ट मूव के बाद में एक पुल बैक आता है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। साथ में मैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज भी रन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे पीएनएल मेरा, इधर आप देखोगे तो सेंसेक्स की कुछ स्ट्रैटेजीज मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, और सेंसेक्स के अंदर अभी अप्रॉक्सिमेटली 10 लाख के आसपास, 10 to 15 लाख एवरी डे के अंदर डिप्लॉयड है, और एक्सपायरी के दिन भी मैं सेंसेक्स में अप्रॉक्सिमेटली 70-80 लाख से ट्रेड करता हूँ। नाउ सेंसेक्स में मेरा ज्यादा कैपिटल नहीं है क्योंकि सेंसेक्स इज अ न्यूअर इंस्ट्रूमेंट हियर, एंड हेंस मैं सेंसेक्स में प्रेफर नहीं करता ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए। और साथ में अगर आप चीजें देखोगे तो ये भी पता चलेगा कि सेलिंग स्ट्रैटेजीज जो है, अभी आपको लगेगा कि सेलिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज परफॉर्म नहीं कर रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि फिन निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज में ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करना नहीं प्रेफर करूंगा इन केस ऑफ फिन निफ्टी, बट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी यू कैन फुल्ली डिप्लॉय योर कैपिटल एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्टॉप योर स्ट्रैटेजीज। अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट खराब है और स्ट्रैटेजी स्टॉप कर देनी चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, और सिस्टम को स्टिक करना इज द रियली अल्टीमेट थिंग हियर इन दिस केस, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि पीएनएल क्या चल रहा है, टोटल अप्रॉक्सिमेटली 4,15,000 के आसपास पीएनएल चल रहा है। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज जो अभी तक थी वो काफी बड़े ड्रॉडाउन में थी, अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख रुपीज पर 8x 10x चल रहा था, मतलब 10,000 रुपीज पर लॉट, 15,000 रुपीज पर लॉट का ड्रॉडाउन चल रहा था। अभी भी मैं ये आपको हमेशा क्रीम बातें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जनरली लोगों को रियलिटी लगता है कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है, बट ऐसा एक फेज आता है जहां पर आपको कंटिन्यूस सीरीज ऑफ लॉसेस होते हैं। तो लास्ट वीक जो था मेरा कंटिन्यूस सीरीज ऑफ लॉसेस था, जहां पर ऑप्शन बाइंग में एक भी दिन भी मुझे प्रॉफिट नहीं बना था, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो ये एक चीज है जहां पर आपको बहुत ही चीजें ध्यान से रखनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है तो आपको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज यूज करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में बड़े गेन्स चाहिए और फिर आपको बेसिकली लो विन रेट स्ट्रैटेजी चाहिए तो आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, और ये डे हाई जो है बेसिकली यस्टरडे हाई 44,400 जो है वो ब्रेकआउट देगा, एंड देर इज अ गुड अपसाइड पोटेंशियल हियर, राइट। सो देखते हैं कि क्या परफॉर्म होता है, एंड वो आई विल श्योरली शेयर द ईओडी पीएनएल विद एवरी वन ऑफ यू, एंड लेट अस सी what goes around here. Now I'm going to show you the EOD PNL, and this is approximately 7,16,566 rupees across a capital of 3.5 crores here. Now as you can clearly see, let me just show you the chart so that you can understand why this PNL is important, because you can clearly see after 3 o'clock there was a very very sharp reversal here, right. Now most of the people might have lost their profits that they have made in the entire day, because
you know, the straddle was, or let's say the strangle was making money, one would have sold a OTM 200, 300 call put, and he would have been making money here. In case of Nifty as well, Nifty was clearly a trending move. And then later on at 3 p.m., there was a sharp downside here, right? So in this downside, we caught the entire downside. Yeah, definitely we lost some profit in the older strategies, but we made money in the 3 p.m. strategies here. So let me just show you by search here how much strategy my 3 p.m. Option buying made. So here I can see that total of the total strategies here is 3 p.m. option buying is 19,000. Total profit is there basically. And in this, 12,000 is in one account, 6,000 is in a different account here, right? Now here, as you can clearly see that one of the algos entered at 310 and squared off at 420 rupees. And there's one more 3 p.m. option buying strategy in Nifty here. Let me just show you by search. So this is 3 p.m. Nifty option buying, and here you can see the P&L as 22,000 rupees. All right. So I have already shared the 3 p.m. option buying strategy with everyone in the on the YouTube channel. Let me just show you what all strategies am I referring right now, so that you can understand what strategies I am talking about. Now this is the YouTube channel, and in this you can see few of the baskets that I have shared with you. One of the baskets for Sensex algo trading is this basket that you can look at in case of stock market strategies if you want here. Apart from that, let me just show you one of the important videos of 3 p.m. option buying strategy. So this is the video of 3 p.m. option buying strategy, which you can refer to understand what option buying strategies I am referring here. So even in this downside reversal, our algo caught the entire downside move and was able to protect the profit that we had made in the entire day in this clearly trending market here. Now, if you are interested in algo trading research, and if you want basically to start algo trading, you can refer on the screen that is there on the screen here, and you can message me on WhatsApp if you want to have access to the research of algo trading strategies in Nifty, Bank Nifty, Sensex, Fin Nifty and other indices here, right? I hope you have understood a lot of things, and for any queries related to algo trading, you can just put it on the comment section, and I am happy to reply you all.